वेलकम बैक एवरी वन इन क्लास थर्ड यूनिट नंबर 5 एडिशन विद कैरिंग इज गोइंग ऑन. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5D वर्ड प्रॉब्लम्स. अब हमें एडिशन विद कैरिंग के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हम उस वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, श्रीकांत स्कोर्ड 85 मार्क्स इन इंग्लिश. श्रीकांत स्कोर करता है 85 मार्क्स इन इंग्लिश में. ओके, 87 मार्क्स आते हैं उसके किस में, साइंस में. 92 आते हैं मार्क्स आते हैं उसके मैथ्स में. तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में जितने मार्क्स आए हैं उसके और साइंस में जितने मार्क्स आए हैं और मैथ्स में जितने मार्क्स आए हैं उन सबको क्या 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 कर देंगे हम, टोटल कर देंगे, उन सबको ऐड कर देंगे हम. जब ऐड करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, उसके टोटल मार्क्स होगा. ओके, सी कैसे करेंगे. सबसे पहले लिखो द मार्क्स इन इंग्लिश, लिखो द मार्क्स इन इंग्लिश कितने हैं उसके, 85. ओके, इन साइंस, साइंस में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, 87 मार्क्स. ओके, एंड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने हैं, 92. अब हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकाल दीजिए इसके, टोटल मार्क्स सबको ऐड कर दीजिए, अरेंज इन कॉलम. सो 85, ओके, 87 एंड 92, इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे. ओके, सो 2 + 7 मेक्स इट 9, + 5 मेक्स इट 14. 14 का आ जाएगा 4 आपका यहाँ पर, 1 चला जाएगा आपका कैरी 10 प्लेस पे. सो 8 + 8 मेक्स इट 16, + 9 मेक्स इट 25, + 1 मेक्स इट 26. ओके, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे उसके, 264 मार्क्स आ जाएंगे उसके. ओके, 264 मार्क्स आ गए उसके टोटल. ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए शॉप हैज 3575 डीवीडीज ऑफ हिंदी फिल्म्स. एक शॉप में 3575 डीवीडीज हैं किसकी, हिंदी फिल्म्स की. ओके, 3455 डीवीडीज किसकी हैं, इंग्लिश फिल्म्स की. तो पूछा कि हाउ मैनी डीवीडीज डज इट हैव ऑल टुगेदर, वो कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितनी डीवीडीज हैं. तो हम क्या करेंगे, हिंदी फिल्म्स की डीवीडीज को और इंग्लिश फिल्म्स की डीवीडीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सी. सो लिखो सबसे पहले दी दी नंबर ऑफ डीवीडीज ऑफ हिंदी फिल्म सॉरी हिंदी फिल्म्स कितनी हो जाएंगे टोटल, कितनी है, 3575. ओके, इंग्लिश फिल्म्स की कितनी है, इंग्लिश फिल्म्स की कितनी है, इंग्लिश फिल्म्स की है 3455 डीवीडीज. ओके, अब क्या करेंगे, टोटल निकाल दीजिए, टोटल डीवीडीज थ्री
क्या करेंगे, इसको ऐड करा दीजिए अरेंज इन कॉलम। ओके आपका फाइव ही यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला फाइव टेंथ प्लेस पे, फोर आपका हंड्रेड प्लेस पे, और थ्री आपका थाउजेंड प्लेस पे। इसको बस ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, फाइव प्लस फाइव मेक्स इट टेन, कैरी वन आपका चला जाएगा, सेवन प्लस फाइव मेक्स इट ट्वेल्व, प्लस वन आपका कैरी कितना आ जाएगा थर्टीन। ओके फिर से कैरी आपका हंड्रेड पे चला जाएगा, फाइव प्लस फोर मेक्स इट नाइन, प्लस वन मेक्स इट टेन, कैरी वन चला जाएगा आपका थाउजेंड प्लेस पे, थ्री प्लस थ्री मेक्स इट सिक्स, प्लस वन मेक्स इट सेवन। तो टोटल डिविडीज कितनी हो जाएंगी उसके पास, जो शॉप में है उसके पास, सेवन थाउजेंड थर्टी डिविडीज। ओके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में ए पार्ट हमें गिवन है, माई ग्रांड फादर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन माई फादर। सपोज करो आप, ओके आपके दादाजी 26 ईयर्स बड़े हैं आपके पापा से, ओके और अगर माई फादर इज 28 ईयर्स ओल्डर देन मी, अगर आपके पापा आपसे 28 ईयर्स क्या हैं बड़े हैं, अगर आपकी एज कितनी है 9 ईयर्स है, तो आपके दादाजी की एज कितनी होगी, हाउ ओल्ड इज माई ग्रांड फादर। तो देखो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ओके सी लेट्स डू। ओके देखो सबसे पहले उस बच्चे की एज कितनी है, 9 ईयर्स ओल्ड है ना, वो उसने लिखा हुआ है आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, सो दैट मीन्स हिज एज, लिखो हिज एज इक्वल टू 9 ईयर्स, ओके ओके। अब उसके जो पापा हैं कितने हैं, उसके 28 ईयर्स बड़े हैं, तो दैट मीन्स हिज फादर्स एज, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, इसमें आप 9 में क्या ऐड करेंगे, आप 28 को ऐड कर लीजिए। ओके देखो जब आप 28 में 9 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37, यानी कि उसके पापा की एज कितनी आ गई, 37 ईयर्स आ गई है। 28 में क्या किया हमने, 9 को ऐड करा दिया, उसके पापा क्या थे 28 ईयर्स बड़े थे उसकी एज से, तो हमने क्या क्या ऐड करा दिया, कितना आ जाएगा 37 ईयर्स उसके पापा की एज आ गई। अब उसके दादाजी जो हैं, उसके दादाजी क्या हैं, उसके पापा से 26 ईयर्स बड़े हैं। अब क्या करेंगे हम, लिखो हिज ग्रांड फादर, ग्रांड फादर्स एज क्या हो जाएगी, उसके ग्रांड फादर्स की एज क्या हो जाएगी, 37 में हम क्या करेंगे 26 को हम ऐड करा देंगे, उसके पापा से 26 ईयर्स ही तो बड़े हैं। अब कर दीजिए इसको ऐड कैसे करेंगे, अब आप कर दीजिए अरेंज इन कॉलम, 37 आ जाएगा 26, इसको ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 6 मेक्स इट 13, कैरी 1, 3 प्लस 2 मेक्स इट 5, प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, यानी कि उसके दादाजी की एज कितनी आ गई, 63 ईयर्स आ गई है। ओके उसके दादाजी की एज कितनी आ गई है, 63 ईयर्स आ गई है। ओके देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले उसकी एज लिखी कितनी थी 9 ईयर्स, उसके पापा जो थे उस बच्चे से कितने बड़े हैं 28 ईयर्स बड़े हैं, तो उसमें हमने 28 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 37 ईयर्स। अब उसके दादाजी जो हैं उसके पापा से कितने बड़े हैं 26 ईयर्स बड़े हैं, ओके तो उसके पापा की एज में हम 26 ईयर्स को ऐड कर देंगे, वो उसकी कितनी आ जाएगी, उसके दादाजी की एज आ जाएगी 63 ईयर्स। ओके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का सी पार्ट। अब देखो ए स्टोर हाउस हैज़ 2468 बॉटल्स ऑफ एप्पल जूस, एक स्टोर हाउस में
2468 जो बॉटल्स हैं किसकी हैं, एप्पल जूस की। ओके 3134 बॉटल्स किसकी हैं, ऑरेंज जूस की। इसके बाद 1452 बॉटल्स हैं आपकी ग्रेप जूस की। ओके तो हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ जूस डज इट हैव, तो टोटल बॉटल्स पूछ रहा है कि उसके स्टोर में कितनी हैं। तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स डू। सबसे पहले लिखो द नंबर ऑफ बॉटल्स, लिखो द नंबर ऑफ बॉटल्स of apple juice कितनी है टोटल, 2468। ओके इसके बाद है आपकी ऑरेंज जूस की कितनी है, देखो आप ऑरेंज जूस कितनी है टोटल, 3134। ओके इसके बाद है आपकी ग्रेप जूस की कितनी है, लिखो ग्रेप जूस की कितनी है, 1452। ओके अब आप निकाल दीजिए द टोटल बॉटल्स, द टोटल बॉटल्स कितने आ जाएंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए आप। सबसे पहले क्या गिवन हमारे 2468 है, फिर आपका 3134, फिर आपका 1452, इसको ऐड कर लीजिए बस आप। ओके इन सबको ऐड कर लीजिए। सो 8+4 मेक्स इट 12, +2 मेक्स इट 14, कैरी आ जाएगा आपका 1, 6+3 मेक्स इट 9, +5 मेक्स इट 14, +1 मेक्स इट 15, कैरी 1, 4+1 5, +4 9, +1 मेक्स इट 10, कैरी फिर 1, 3+2 मेक्स इट 5, +1 मेक्स इट 6, +1 मेक्स इट 7। तो टोटल बॉटल्स कितनी आ जाएंगी जूस की उस स्टोर हाउस में, कितनी है 7054 बॉटल्स हैं। ओके यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5D फिनिश होती है, यहाँ पर आपकी पूरी यूनिट भी फिनिश होती है। ओके इसमें जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं यू विल डू विद योर सेल्फ, आप अपने रफ नोटबुक पर उन क्वेश्चनों को करके देखेंगे जो क्वेश्चन बच गए हैं। ओके इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू यूनिट के साथ। ओके टिल देन थैंक यू एवरीवन।